Thank you so much, guys, for giving me this wonderful opportunity to speak something over here. जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं हूं आपकी आवाज़ शान सैफी, एंकर एंड एंटरटेनर. सो प्रोफेशनली गाइस, मैं लाइफ मोटिवेटर एंड बिजनेस ट्रेनर के रूप में काम करता हूं. तो जैसे कि आज मुझे अपनी प्रोफेशनल पहचान को प्रेजेंट करने का मौका मिला है, तो आप सभी लोगों के सामने कुछ बातें मोटिवेशनल लाइफ की बताना चाहूँगा. देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम लाइफ को जीते हैं तो बहुत सारी उलझनें आती हैं, और उन उलझने को सुलझाने के लिए, उन उलझनों को सुलझाने के लिए लाइफ मोटिवेशन की बेहद ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को. तो उन्हीं बहुत सारी उलझनों को सुलझाने के लिए सबसे पहले मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि किसी भी उलझन को अगर सुलझाना है तो हमें ज़रूरत होती है सीखने की. उलझनों को सुलझाने की ट्रिक्स को सीखने की हमें ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर बस एक मोटिवेशन के जरिए एक ही बात बताना चाहूँगा कि कभी भी कुछ भी आपको सीखना है तो सीखने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक अच्छे टीचर की. और बस इसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पहचानो अपने टीचर्स को जो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं. यही वो लोग हैं जो आपका भविष्य बना सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस. तो जब पहचान की बात आती है कि कौन है ये टीचर्स जो हमारा भविष्य बना सकते हैं, हमारा जो मुस्तकबिल है उसे बना सकते हैं, तो इनके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा. ये वो बातें हैं जो मैंने सीखा है आप सब लोगों से, मैंने सीखा है इस दुनिया के लोगों से, मैंने सीखा है वक्त से, मैंने सीखा है दिक्कतों से, मैंने सीखा है खुद से. जो बातें मैंने बोली हैं यहाँ पर, इसी के अंदर वो सारी चीज़ें छुपी हैं जिनसे आप सीख सकते हैं. गाइज, आई जनरली टेल कि हमारी लाइफ में हमारे चार टीचर्स होते हैं. देर आर मेनली फोर टीचर्स इन आवर लाइफ. जस्ट रिकॉग्नाइज दीज फोर टीचर्स एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दीज. चार टीचर्स को पहचानो और उनसे सीखना चालू कर दें. अगर आपने इन चार टीचर्स से सीख लिया तो लाइफ में कभी भी कोई उलझन नहीं आएगी. तो चार टीचर्स हैं आज के मोटिवेशन में. बस मैं चार टीचर्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पर दूंगा, और उम्मीद यही करूँगा आप सभी लोगों से कि इन चारों टीचर्स से सीखना आप आज से ही शुरू कर देंगे. इंशाल्लाह आप लोग कंप्लीट महसूस करेंगे अपनी लर्निंग को. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारी लाइफ में सबसे पहले टीचर होते हैं हम खुद. हम खुद को भी सिखाते हैं, इसलिए हम खुद के टीचर खुद होते हैं सबसे पहले. दिस इज द फर्स्ट थिंग, पहचानो इसे, आप खुद के टीचर खुद हो. दूसरा, आपके टीचर होते हैं, हमारे टीचर होते हैं दुनिया के लोग. दुनिया के बहुत सारे लोग, दुनिया के बहुत सारे लोगों में हमारे छोटे भाई बहन दोस्त भी होते हैं, हमसे बड़े भाई बहन दोस्त भी होते हैं, हमारे बुजुर्ग भी होते हैं, हमारे जो प्रोफेशनली जो स्कूल के ट्यूशन क्लासेस के जो टीचर्स होते हैं वो सब भी होते हैं. तो दुनिया के सभी लोग हमारे टीचर्स हैं. उनमें से हर फील्ड में आप किसी आइडियल व्यक्ति को पकड़ सकते हैं. आइडियल बंदे को देख लीजिए और आप उनकी बातों को फॉलो करना चालू कर दें. किसी एक को आइडियल बनाओ, पर सीखो सभी से. तो दुनिया के सभी टीचर्स, दुनिया के सभी लोग हमारे टीचर हैं. दिस इज सेकंड कैटेगरी ऑफ द टीचर्स. अपार्ट फ्रॉम इट, जब आप इन दोनों से सीखने के बाद कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो तीसरे टीचर का रोल हमारी लाइफ में आ जाता है. एंड दिस इज द थर्ड टीचर नॉन एज डिफिकल्टी. दिक्कतें भी हमारी टीचर्स हैं. जस्ट रिकॉग्नाइज इट. जब कभी भी दिक्कतें आपको आने लगे तो समझ जाओ तीसरा टीचर आपके साथ में है और उससे सीखना है आपको. लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, उस तीसरे टीचर से दूर भागने लगते हैं. आप खुद सोचिएगा, अपने टीचर से दूर भागेंगे तो क्या सीखेंगे आप. तो टीचर से दूर नहीं भागना. जब भी दिक्कतें आए तो समझ जाए कि तीसरा टीचर आपके साथ है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है. एंड नाउ द लास्ट एंड फोर्थ टीचर, हमारी लाइफ में सबसे बड़ा टीचर मैं ऐसे मानता हूं, वक्त. वक्त सबसे बड़ा टीचर है. आप वक्त से भी सीखें, ये बहुत बड़ी चीजें सिखा देता है जो आपको दुनिया की कोई भी चीज नहीं सिखा सकती. वक्त एक ऐसी चीज है, वक्त सिखाता है. और वक्त के ऊपर एक लास्ट शायरी बता करके अपनी बात को मैं कंप्लीट करना चाहूंगा कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और छोटे जख्म को नासूर बना देता है. वक्त नूर को बेनूर बना देता है और छोटे जख्म को नासूर बना देता है. और कौन चाहता है गुनाहों में धंसना, वक्त इंसान को मजबूर बना देता है. थैंक यू सो मच गाइस.